नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में स्वागत करता हूं। तो साथियों, एक बात चल रही थी, अभी एक न्यूज चल रही है कि एमसीडी पीआरटी का रिजल्ट आ चुका है। तो इससे पहले एक दो दिन पहले और बात चल रही थी, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अभी काफ़ी साथियों के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रही है, कमेंट्स आ रही हैं, तो मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आप सभी को वो बता दूँ। हालांकि मैंने कम्युनिटी टैब में ये सब चीज़ें डाल दी हैं कि ऐसा अभी कुछ है नहीं। तो साथियों, अभी बात क्या चल रही है कि एमसीडी पीआरटी का रिजल्ट आ चुका है और जनरल की जो कट ऑफ है 110 से ऊपर है, ओबीसी की 102 के लगभग है और एससी की 97 है, ऐसे कर करके कट ऑफ डाल रखी है। तो साथियों, क्या चीज़ है अभी आप देख सकते हैं अपने सामने, अभी इमेज देख सकते हैं क्या है। इसमें ऊपर डीएसएस भी लिखा हुआ है, दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड 28/12/2018 की ये न्यूज़ बना के डाल रखी है, जो कि साफ दिख रहा है कि एडिटेड है। तो कट ऑफ के बारे में भी लिखा हुआ है, जनरल की 110 के लगभग है, ओबीसी 101.75 मतलब 102 के लगभग है, एससी 97, एसटी 88। तो इसके अकॉर्डिंग जो अभी मैंने कुछ यूट्यूब चैनल पे भी देखा है, तो उन्होंने डाल रखी है ये वीडियो। हालांकि मुझे लग नहीं रहा कि क्या किस एंगल से ये वीडियो डाली है, मतलब ये वीडियो देख के मुझे इतना दुख हुआ। इसमें मैं आपको इतनी चीज़ें बताऊंगा जिससे ये साबित होगा कि ये एमसीडी पीआरटी की कट ऑफ है ही नहीं। एक तो होता है कि कुछ मतलब प्रूफ लगे, कुछ हो सामने आपको दिखे कि हाँ हो सकता है। भाई साहब, आप लोग अगर देखेंगे इसमें तो इसमें इतनी सारी कमी दिखेंगी कि ये सिंपल एडिटेड किया हुआ है, इतनी सारी इसमें मिस्टेक हैं। और वो क्या चीज़ें हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप सुन लीजिए, हमारे देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कट ऑफ अपने आप बना के डाल देते हैं, मतलब उन्हें बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। जो बोर्ड होता है, बोर्ड की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप एडिट करके कट ऑफ डाल देते हैं। और ऐसे जो लोग हैं उनसे तो आप लोगों को राम बचाए, और ऐसे लोगों से दूर रहें। इसके बाद ऐसे YouTube वालों की भी कमी नहीं है, मतलब कोई भी छोटी सी चीज़ मिलते ही उसका हवा बना के डाल दें, मतलब उनको ये पता है, साइट पे दिख रहा है कि मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उन लोगों को वीडियो बनाने की इतनी जल्दी होती है कि कोई चीज़ फेक है रियल है उनको कोई मतलब नहीं है। उनको क्या है कि रमर्स फैलानी है, मतलब अफवाह फैलानी है। और हमारे भी कुछ साथी ऐसे हैं जो जल्दी बिलीव कर लेते हैं। तो साथियों, ऐसे लोगों पे आप बिलीव ना करें। जो डीएसएसबी की साइट है वो इसीलिए ही है कि आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। और उस चीज में क्या गलती है अभी देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे 28/12/2018 ये डेट लिखी हुई है, जो कि ऐसा होता नहीं है। डीएसएसबी की जो मोस्टली नोटिस आती है उसमें पेन से डेट लिखी होती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे आगे 13/11 कुछ इसमें लिखा हुआ है, वो एडिट करके, वो कुछ डिलीट करके यहाँ पे वो डेट चिपकाई गई है, मतलब पेस्ट की गई है। तो ये सबसे पहला आपके लिए प्रूफ है कि ये चीज़ फेक है। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रूफ है, जो शायद वो यूट्यूब वाले भी पहचान नहीं पाए, उनको पता ही नहीं है कि वो वीडियो डाल रहे हैं किस चीज़ की डाल रहे हैं। तो अभी आप देखिए, इसके बाद अभी आप देख पा रहे होंगे पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, और हालांकि ऊपर लिखा हुआ है 30/9/2018, 13/10/2018, 14/10/2018, 28/10/2018, तो ये चीज़ें सही लिखी हुई हैं, लेकिन लास्ट में लिखा हुआ फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी इन एमसीडी 16/17/1/18, वो भी सही है। लेकिन आपको पता होगा असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, ये जो 30/9/2018, 13/14 और 28 वाले जो एग्ज़ाम हैं, तो साथियों ये असिस्टेंट टीचर के नहीं हैं, ये हैं प्राइमरी टीचर के, और असिस्टेंट टीचर वाले थे जो ऑनलाइन हुए थे। तो ये आप देख सकते हैं। तो साथियों, जो भी आप वीडियो डालें यूट्यूब वाले जो भी साथी, उनसे भी मैं बोल रहा हूँ, तो आप ये चीज़ें क्लियर करें पहले, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ दिखी वीडियो डाल दी। इसके बाद एक और प्रूफ आप देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है ऑन द कट ऑफ डेट 31/1/2018। तो ये बहुत बड़ा प्रूफ है, आप इसे देख सकते हैं। और जो भी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं वो क्या है कि कॉपी करके पेस्ट करी गई हैं चीज़ें,
और मतलब वो एडिट करी गई है मेनली, आप देख सकते हैं। तो साथियों सबसे बड़ा प्रूफ था कि जो असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की ये वैकेंसी नहीं है, असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की थी ऑनलाइन वाली, और ये क्या है प्राइमरी टीचर की। तो उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और जो भी यूट्यूब वाले जो साथी हैं जो ये चीज़ें फेक न्यूज़ डाल रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि इससे क्या है कि बहुत सारे बच्चे आप पे विश्वास करते हैं, जो कैंडिडेट्स हैं विश्वास के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें गलत हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको, गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि ये चीज़ें बिल्कुल साइट पे भी नहीं आने वाली। कुछ साथी बोल रहे हैं, मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा था कि अभी देखते हैं साइट पे आती या नहीं आती, हमें लगा कि ये ओरिजिनल चीज़ है। किस चीज़ से ओरिजिनल लग गया आप लोगों को? कुछ चीज़ें तो वो ओरिजिनल, आपको ये नहीं पता कि असिस्टेंट टीचर है और प्राइमरी टीचर है, उसमें अंतर क्या है, ये वैकेंसी किस चीज़ की है। सारी चीज़ें साफ दिख रही हैं कि ये एडिटेड है, एडिट की गई है, लेकिन फिर भी अभी व्यूज़ बढ़ाने के लिए वो चीज़ें डाल रहे हैं, तो ऐसा गलत है। अभी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, न्यूज़ होगी आपको बता दी जाएगी, और अभी तो रिजल्ट में मैं बता रहा हूँ कितना टाइम अभी लग सकता है, 10-5 दिन और लग सकते हैं। अभी टीजीटी का भी रिजल्ट आया नहीं है, पीआरटी का कैसे आ जाएगा, टीजीटी की वैकेंसी कितनी है, थोड़ी थोड़ी वैकेंसी है, उनका भी रिजल्ट नहीं आया है। और पीआरटी का तो बहुत बड़ा इश्यू है, कितना इश्यू चल रहा है, केस चल रहा है, और उसका रिजल्ट आ रहा है डेली, परसों भी आया आज भी आ गया, तो अभी कोई रिजल्ट नहीं आया। तो आप टेंशन ना लें, रिजल्ट आ जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। पर जो ये साथी हैं जो रमर्स फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, जो एडिट कर करके डाल रहे हैं, तो उनके लिए एक मैसेज है कि आप इससे अच्छा है कि डीएसएसबी ही ज्वाइन कर ले जाके, डीएसएसबी से ऊपर अपना एक बोर्ड बना के डेली एडिट करके डालें। पता नहीं कुछ लोगों को काम ही नहीं होता, फ्री होते हैं आराम से, जो मन में आया डाल दिया। तो साथ ही उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों पे विश्वास ना करें। डीएसएसबी की जो साइट है वो आप लोगों के लिए है, वो आपको पूरी सच्चाई वहाँ से मिल जाएगी कि कोई चीज़ आई है या नहीं आई है। और ऐसा नहीं, अभी आने वाले 10-5 दिन में आपको डराया जाएगा कि कट ऑफ इतनी गई है इतनी गई है, तो आप बिल्कुल विश्वास ना करें। हमारा जो सीधा इरादा है कि रिजल्ट जल्दी आए, आप इन चीज़ों में भ्रमित रह के ना रहें, ये चीज़ें आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना काम देखें। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का जो काला बटन है नीला करके ज़रूर जाएं, और अपने जो व्यूज़ हैं आप ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि वीडियो ने आपका टाइम वेस्ट किया, तो आप बेझिझक वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो गाइस गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।